रामनगरी को मिली एक और सौगात। रामलला के श्रद्धालुओं के लिए रामनगरी में शुरू की गई इलेक्ट्रिक बस सेवा। 10 इलेक्ट्रॉनिक बसें अयोध्या के प्रमुख स्थलों से उपलब्ध कराएंगी सेवा। अयोध्या डिपो को भी मिलेगी 10 नई बसें। आगामी दिनों में 35 इलेक्ट्रॉनिक बसें राम भक्तों के लिए की जाएंगी संचालित। अयोध्या को विभिन्न शहरों से जोड़ने वाले मार्ग पर बनाए जाने वाले प्रवेश द्वारों से शहर के अंदर तक श्रद्धालुओं को पहुंचाएंगी इलेक्ट्रॉनिक बस। अयोध्या डिपो से देश के कई प्रदेश और शहरों तक चलाई जाएंगी बसें। विधायक अयोध्या ने हरी झंडी दिखाकर बसों को किया रवाना। एक कैंट से और नया वो जाएंगी वहाँ नए घाट जाएंगी। कैसे कितनी बसें हैं और कहाँ? 10 बसें हैं जो आई हुई हैं, दुबई लखनऊ से आई हुई हैं, मंगवाई गई हैं, जो है आज उद्घाटन हुआ है। किन सुविधाओं से लैस है ये गाड़ी जी? क्या सुविधाएं हैं? सुविधाएं इसमें एसी है और जो है सीट टू सीट जो है सवारियां जाती हैं और सवारियों के लिए 5 कैमरे लगे हुए हैं, सेफ्टी है और जो है सवारियों के लिए बहुत सी जो है इसमें जो फायदाए हैं, जो है आराम से सवारी की सुरक्षित सवारी के साधन है। देखा जाए महिलाओं के लिए भी सुरक्षित, उनके 4 सीट जो है अलग बनी हुई हैं, रिजर्व हैं और जो है महिलाओं के लिए कोई 5 कैमरे लगे हैं, कोई जो है इसमें वो नहीं होता है कोई प्रकार का, जो सुरक्षित है। इसका किराया क्या है? किराया सर जो है अरे लगभग 1 किलोमीटर का 3 रुपये पड़ता है जी। आपका नाम? जी हमारा जो है, हम जो है चालक हैं, हमारा राहुल कुमार नाम है।